जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर गाइस। यहाँ पे देखिए आप लोग के CIT एंट्रेंस एग्जाम जो 17 जुलाई को हुए थे, रिजल्ट जो है पब्लिश किया जा चुका है। सामने देख पा रहे हैं आप लोग रिजल्ट, देखिए यहाँ पे स्कोर रिजल्ट है, जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो दिखाया जा रहा है। कैसे देखेंगे इस रिजल्ट को, चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू होंगे तो। आपको ये वाला पेज खोल लेना है, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, ये जो देख पा रहे हैं वेबसाइट, ये वेबसाइट का डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आप इस पेज पे पहुंच जाइएगा। यहाँ पे आपको जो है अपना रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर डालिए, जो आप फॉर्म भरने टाइम जो दिए थे वो दोनों चीज़ को यहाँ फिलअप कीजिए। इस कैप्चा कोड को यहाँ एंटर कीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और जिनको ये लिंक नहीं मिल पा रहा है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ क्या करना है। वे गूगल के क्रोम ब्राउज़र में ये टाइप करेंगे, देख रहे हैं, ये वाला चीज आपको टाइप करना है, nimi.admission.in। ये क्लिक करिएगा इस पे, उस पर देखिए इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा, ठीक है। NIMI का जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। देन आपको यहाँ पे देखिए क्लिक करना है, ये वाला है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक, इस पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जैसे वो क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला पेज आप लोग का खुल जाने वाला है, जहाँ की लिखा हुआ मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट पब्लिश लॉग इन हेयर। तो ये लॉग इन हेयर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन पेज ये वाला खुल जाएगा। बेसिकली आपको यहीं पहुँचना है, तो आप डायरेक्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम जुड़ जाएगा, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको इन दोनों फील्ड्स को भर दिए, ये करने के बाद आप लॉग इन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा। चलिए इसको हम लॉग इन करते हैं। तो ये हम लोग प्रोफाइल के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे सामने में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ रिजल्ट नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे आप लोग को रिजल्ट दिख जाएगा। तो देखिए जैसे ही नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे है कि व्यू 2022 जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, इस लिंक पे जैसे क्लिक कीजिए आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो है शो हो रहा है, जो भी ट्रेड था आपका उस ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया रहा है। हाँ, आपने जो है अपीयर हुए थे आप एग्जाम में, उसके बाद आपने कितना स्कोर किया वो दिखाया जा रहा है। ये तो 100 में जो है आपको नंबर मिला है, ठीक है। तो 100 में जैसे कि जो नंबर है 71 नंबर 100 में आया गया है। फिर आपका कौन सा ट्रेड से आपने एग्जाम दिया था वो दिखाया जा रहा है। इसका एक प्रिंट करा के रख सकते हैं आप इस पेज का, या स्क्रीन शॉट रख लीजिए। तो ये तो था रिजल्ट, रिजल्ट तो आप लोग का आ चुका। अब देखिए आगे के क्या क्या प्रोसेस है। अब आप लोग का फर्स्ट काउंसलिंग शुरू होगा। फर्स्ट काउंसलिंग मतलब कॉलेज का आपको चॉइस वगैरह करना होगा, जो कि 28 तारीख से आपका शुरू होने वाला है। तो 28 तारीख से जैसे ही यहाँ पे काउंसलिंग का जो है प्रक्रिया चालू हो जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस आपको दे देंगे। ऐसे पिछले साल में वीडियो बनाया था, वीडियो वो चेकआउट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि इधर रिसेंट डेज में 2-4 दिन पहले ही आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस बताए थे, 25 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर डायनेमिक रैंकिंग क्या होता है, फिर कॉलेज ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ठीक है। इन सभी चीजों का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। तो उस काउंसलिंग प्रोसेस आप लोग जरूर देख लीजिए, ताकि जब 28 तारीख से जब आपका काउंसलिंग शुरू हो तो आप सब कुछ जाने रहिएगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा अकबक लगेगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उस पर भी वीडियो बनाया है, टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, प्रोविजनल एडमिशन भी आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो 8 तारीख तक ये चीजें चलेगी, जो 28 से लेकर के 8 तारीख तक आप लोग का चलेगा, ठीक है। और आगे के अपडेट्स आप लोग को देते रहेंगे, तो चैनल पे आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, जो भी न्यू चैनल को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, ताकि हर अपडेट्स आप तो मिल सके। तो जिनका भी नंबर जो है 60 अबव है वो तो फर्स्ट काउंसलिंग में बिल्कुल एकदम रेडी रहिए कि उनको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, 60 अबव। तो इस बार का जो है काउंसलिंग होता है, उसके बाद फिर और अपडेट्स देंगे। और कट ऑफ का फिर से एक बार आप लोग को मैं दे दूंगा कि क्या क्या आप लोग को कहाँ कहाँ से जो है कहाँ देखें कि आप लोग का जो है रिजल्ट आपका मतलब जो आया है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो मैं आपको एक PDF जो है वो दे दूंगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में डाला गया है, फिर भी एक वीडियो फिर छोटे वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।